राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव की बात करेंगे। तो ये जो, अरे डस्टर पकड़ा ना, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश विद्युत प्रभाव है, ये क्या होता है, इसकी अपन बात करेंगे। तो देखो, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए। पहला जो एक्सपेरिमेंट है वो हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने किया, ठीक है। उसके बाद में हालावाक्स नामक वैज्ञानिक, उसने किया। उसके बाद लेनार्ड और थॉमसन ने किया। तो ये तीन वैज्ञानिकों के जो एक्सपेरिमेंट है, अपन सबसे पहले उनकी बात करते हैं, और इन्हीं तीन वैज्ञानिकों के जो एक्सपेरिमेंट है उन्हीं से अपन रिजल्ट निकालेंगे। तो सबसे पहले हर्ट्ज क्या कह रहा है, देखो हर्ट्ज क्या कह रहा है भाई, कि जब किसी मेटल के ऊपर, ये मेटल है, धातु है, जब किसी मेटल के ऊपर आप यूवी या विजिबल डालेंगे, अल्ट्रावायलेट या विजिबल डालेंगे, तो इस मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ऐसा हर्ट्ज ने कहा कि जब किसी मेटल के ऊपर यूवी या विजिबल रे आप डालोगे, पराबैंगनी या दृश्य तरंगे, पराबैंगनी या दृश्य तरंगे जब आप डालोगे इनके ऊपर, एक तो कौन सी आपके पास यूवी और एक विजिबल, तो ये जो यूवी और विजिबल है ये डालोगे, यूवी अल्ट्रावायलेट होती है, ये विजिबल दृश्य तरंगे होती हैं, तो पराबैंगनी या दृश्य तरंगे जब मेटल पे डालोगे तो मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ऐसा हर्ट्ज ने कहा। हालावाक्स नामक वैज्ञानिक ने कहा, क्या कहा भाई, उसने कहा कि आपके पास ये एक जिंक है और ये जिंक ऋणावेशित जिंक है, ठीक है। इस ऋणावेशित जिंक के ऊपर जब प्रकाश डाला गया, लाइट डाली गई, तो ये जिंक इस इलेक्ट्रॉन को त्यागने के बाद उदासीन हो गया, तो ऋणावेशित या नेगेटिव जिंक, नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, नेगेटिव चार्ज वाले ऋण के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन डाले गए तो उसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया और क्या हो गया, वो न्यूट्रल हो गया। ऐसा हालावाक्स ने कहा कि नेगेटिवली चार्ज जिंक है, ऋणावेश जिंक है, लाइट डालो, इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ऐसा हालावाक्स ने कहा, ठीक है भाई। अब बात करें लेनार्ड और थॉमसन की। लेनार्ड और थॉमसन क्या कह रहे हैं भाई, हर्ट्ज की बात ही बोल रहे हैं ये, कि ये आपके पास एक मेटल है, इस मेटल के ऊपर वही आप लाइट डालोगे, प्रकाश डालोगे, इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इस इलेक्ट्रॉन को आप बोलोगे फोटो इलेक्ट्रॉन, प्रकाशीय इलेक्ट्रॉन, क्या बोलोगे, प्रकाशीय इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन, और इस फोटो इलेक्ट्रॉन या प्रकाश इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट फ्लो होगा उसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहा जाएगा, प्रकाशीय धारा कहा जाएगा, फोटो करंट बोलते हैं आप उसको, तो इसके कारण जो करंट बहेगा उसको प्रकाशीय धारा बोलेंगे या फोटो करंट बोलेंगे आप भाई, ठीक है। तो लाइट डालो, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन को आप बोलोगे फोटो इलेक्ट्रॉन,
प्रकाशीय इलेक्ट्रॉन, उसके कारण जो धारा बहेगी उसे प्रकाशीय धारा कहेंगे, और इस प्रभाव को आप प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये फोटो इलेक्ट्रॉन है और जो धारा बहेगी वो फोटो इलेक्ट्रिक। और ये जो इफेक्ट, इसे आप क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो तीन चीज हो गई, देखो लाइट डालो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए, इलेक्ट्रॉन को आपको हो गए प्रकाशीय इलेक्ट्रॉन, प्रकाशीय धारा, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है भाई। तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसको आप फोटो इलेक्ट्रॉन बोलोगे, उसके कारण जो करंट फ्लो होगा उसे आप फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे, और जो इफेक्ट है उसको आप बोलोगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट थे अलग अलग वैज्ञानिकों की अलग अलग टाइम में। अब इन्हीं साइंटिस्टों की अगर बात की जाए कि भाई वास्तव में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं या नहीं, करंट फ्लो होता है या नहीं, तो इसको देखने के लिए क्या किया, एक इंस्ट्रूमेंट काम में ले रहे हैं अपन, यहां मैंने इसमें गैल्वेनोमीटर लगा दिया ताकि यह गैल्वेनोमीटर आपको बताएगा कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है या नहीं। ये लो भाई, अब इधर मैंने एक प्लेट लगा दी, ये ठीक है, सीजीएम की प्लेट मान लो आप, ये एक ऐसी प्लेट है जिसके ऊपर सीजीएम का लेप है, सीजीएम मेटल का लेप है। गैल्वेनोमीटर में देखा करंट फ्लो नहीं हो रहा था भाई, अब क्या कर दिया, इसके ऊपर लाइट डाली गई, प्रकाश डाला गया, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, और इसी इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण ये जो गैल्वेनोमीटर है ये आपको बताएगा कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा भाई, ठीक है। तो ये जो सीजियम मेटल है, सीजियम मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं वो इधर आएंगे। इसको आप ऐसे भी बोल सकते थे कि इस डायग्राम को आप ऐसे भी बना सकते थे कि ये मान लो सपोज एक मेटल है और इस पर जो ही आप लाइट डालोगे इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा जिसे आप फोटो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, ठीक है। तो ये दो एक्सपेरिमेंट है, ये जो आपके पास डायग्राम ये बता रहा है कि लाइट डालने पर उससे क्या हो रही है बताओ, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। ये एक्सपेरिमेंट आपको यहां तो ये हो गया कि लाइट डालो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, लेकिन उसको पता कैसे चलेगा कि वास्तव में इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। इस डायग्राम से आपको ये पता चल जाएगा, ये जो गैल्वेनोमीटर है आपको ये बता देगा कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा भाई, ठीक है। अब इन एक्सपेरिमेंटों से इसे भी पता चल गया अपन को कि करंट फ्लो हो रहा है। क्या अपन यहां रिजल्ट निकालेंगे इससे? पहला रिजल्ट कि मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डालो, सॉरी लाइट डालो, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन को आप फोटो इलेक्ट्रॉन बोल दें, प्रकाशीय इलेक्ट्रॉन बोल दें, इसके कारण जो करंट फ्लो होगा उसको आप बोल देंगे क्या, प्रकाशीय धारा, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट आप बोल देंगे इसको, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा
उस इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन दो चीजों पर डिपेंड करेगा। नंबर एक, जो लाइट आप डालेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी पर, उसकी आवृत्ति पर, और दूसरा मेटल पर। लाइट डालो, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। ये इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना दो चीजों पर डिपेंड करेगा, जो लाइट डालेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी पर और मेटल पर। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए पोटेशियम है, ठीक है, इस पोटेशियम पर आपने यूवी डाली, विजिबल डाली, और इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया। लेकिन यही प्रोसेस जब आप जिंक पर करेंगे तो जिंक पर ऐसा नहीं होगा। लाइट सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, मेटल बदल दी मैंने, तो एक मेटल इलेक्ट्रॉन त्याग रही है, एक मेटल इलेक्ट्रॉन नहीं त्याग रही। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का जो त्यागना है, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, किस पर डिपेंड करेगा बताओ? मेटल पे। पोटेशियम नहीं त्याग रहा, त्याग रहा है, जिंक नहीं त्याग रहा। रीजन क्या हो सकता है? रीजन ये हो सकता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन ढीले बंधे हुए हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन टाइट बंधे हुए हैं। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का बाहर निकालना डिपेंड करेगा फ्रिक्वेंसी पर और मेटल की टेंडेंसी पर, मेटल की नेचर पर। ठीक है, दूसरा हो गया, दो हो गए भाई। तीसरा ग्राफ मैं अगर मान लो ये कहूँ आपसे कि इधर तो ले लूँ मैं फ्रीक्वेंसी और इधर ले लूँ मैं उसकी काइनेटिक एनर्जी, तो जैसे जैसे आप उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाएगी भाई। यानी जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, भागेगा, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है बताओ? जो आप लाइट डालेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी पर, आवृत्ति पर। तो लाइट की आवृत्ति बढ़ाओ, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन तेजी से भागेगा, ध्यान रखना। तो यहां पर यह पता चल गया अपन को कि लाइट की अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर क्या हो जाएगा बताए? काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। लेकिन यही ग्राफ अगर मान लो आप काइनेटिक एनर्जी के बीच और इंटेंसिटी तीव्रता के बीच खींचे, तो इंटेंसिटी बढ़ाते जाओ, काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यही एक तीसरा ग्राफ अगर मैं और खींचूं, इंटेंसिटी पर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर, तो देखो इंटेंसिटी जैसे जैसे आप बढ़ाओगे इलेक्ट्रॉनों का बाहर निकलना भी बढ़ता जाएगा। तो ये तीन ग्राफ आप ध्यान से देखें। पहला ग्राफ क्या है बताओ? कि जो लाइट आप डालेंगे उस लाइट की आवृत्ति बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, मतलब आवृत्ति बढ़ाओगे इलेक्ट्रॉन तेज भागेगा भाई। जितनी ज्यादा आवृत्ति का आप प्रकाश डालोगे, देखो आपने ये पढ़ रखा है E इक्वल एच न्यू, तो इस E के बीच और इस न्यू के बीच कौन सा संबंध है बताएं? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी भी बढ़ेगी, ऊर्जा भी बढ़ेगी। तो ज्यादा आवृत्ति का मीन्स है एनर्जी ज्यादा, तो जैसे जैसे आप आवृत्ति बढ़ाओगे वैसे वैसे एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। तो इंटेंसिटी बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इंटेंसिटी अगर आप बढ़ाओगे, लाइट की तीव्रता बढ़ाओगे, तो तीव्रता बढ़ाने पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, ध्यान रखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव तात्क्षणिक होता भाई, तुरंत आपने लाइट डाली, डालते इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, तुरंत होता है यह प्रभाव। तो लाइट डालो, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना एक तो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा, मेटल की नेचर पर डिपेंड करेगा, और ये तीन ग्राफ आपके पास हैं। आवृत्ति बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, इंटेंसिटी बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी पर कोई फर्क पड़ नहीं पड़ेगा। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगी, इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करेगी। मेटल से इलेक्ट्रॉन का निकलना इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा,
ठीक है भाई, ये कुछ रिजल्ट थे। ठीक है, अब इन रिजल्टों की बात अपन करें ये जो आपने प्रकाश विद्युत प्रभाव या फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने पढ़ा है इसकी व्याख्या करते हैं अपन, अब एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन या उसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो देखो भाई, एक पहले थ्योरी चलती थी क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी मतलब प्लैंक से पहले, प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत आया, उस क्वांटम सिद्धांत से पहले चलती थी क्लासिकल प्लैंक, इस प्लैंक से पहले चलती थी क्लासिकल, और प्लैंक के बाद चलती है भाई क्वांटम। ठीक है, तो प्लैंक ने जब क्वांटम सिद्धांत दिया, क्वांटम थ्योरी दी, तो उसके बाद में चलने लग गई क्या, क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स चलने लग गई भाई। तो इस क्वांटम मैकेनिक्स से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को। तो आइंस्टीन ने क्या किया, क्लासिकल से एक्सप्लेनेशन हो नहीं रहा था, ये जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है, इस प्रकाश विद्युत प्रभाव का क्लासिकल से एक्सप्लेनेशन नहीं हो रहा था, किससे एक्सप्लेनेशन होगा बताओ, क्वांटम मैकेनिक्स से एक्सप्लेनेशन होगा। और कैसे होगा कि ये आपके पास मेटल और ये डल गई इसके ऊपर क्या एच न्यू, एच न्यू का मतलब है कि जो बंडल आप डालेंगे उस बंडल की एनर्जी है एच न्यू। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन सारी एनर्जी ले लेगा, बाहर निकल जाएगा। तो पहला इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ऊर्जा चाहिए, उसे आप बोलोगे कार्यफलन या वर्क फंक्शन डब्ल्यू जीरो, कार्यफलन बोल दें, वर्क फंक्शन बोल दें डब्ल्यू जीरो, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकल। तो देखो आपने क्या डाला, एच न्यू एनर्जी का फोटोन डाला, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा है वो कहलाएगी डब्ल्यू जीरो। ठीक है, और फिर देखो जितनी ऊर्जा आपने दी है वो दो काम आएगी भाई, जितनी भी ऊर्जा आपने दी है इस इलेक्ट्रॉन को वो दो काम आएगी, नंबर एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में डब्ल्यू जीरो, दो उस इलेक्ट्रॉन को भगाने में काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, दो काम आएगी। जो भी एनर्जी आप देंगे उसको टोटल ऊर्जा वो दो कामों में आएंगे, एक तो क्या डब्ल्यू जीरो के, और एक उसको काइनेटिक एनर्जी प्रदान करने में इलेक्ट्रॉन को भगाने में। ठीक है, तो एक तो डब्ल्यू जीरो हो गई और एक हाफ एम बी स्क्वायर, दो काम आती है ये दी गई ऊर्जा एच न्यू। ठीक है भाई, तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि एच न्यू इक्वल डब्ल्यू जीरो प्लस हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है भाई, ये हो गया आपके पास। अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन कहलाएगी आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण। और इसको दोबारा से मैं सही ढंग से एक्सप्लेन करूं तो देखो ये हो जाएगा, अवशोषित ऊर्जा बराबर दहली ऊर्जा प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है भाई, अब दहली ऊर्जा को इधर ले आए तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बताओ, अवशोषित ऊर्जा माइनस दहली ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी बराबर अवशोषित ऊर्जा कितनी एच न्यू, दहली ऊर्जा कितनी एच न्यू जीरो, या इसको ऐसा कहें अवशोषित ऊर्जा ई और दहली ऊर्जा ई जीरो, काइनेटिक एनर्जी बराबर एच न्यू माइनस
एच न्यू जीरो, एच कॉमन ले लें न्यू माइनस न्यू जीरो। काइनेटिक, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम बी स्क्वायर बराबर एच न्यू माइनस न्यू जीरो। ये इक्वेशन आपके पास, और एक बार इसको आप लिख सकते हैं हाफ एम बी स्क्वायर बराबर एच न्यू इक्वल क्या होता भाई, सी अपॉन लैम्डा। तो सी अपॉन लैम्डा माइनस सी अपॉन लैम्डा जीरो, सी और कॉमन ले लें, वन अपॉन लैम्डा माइनस वन अपॉन लैम्डा जीरो। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपको कहलाएंगी क्या भाई, आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण है ये। यानी कुल मिला के बात ये रहे भाई कि ये जो मेटल है, इस मेटल पर आपने फोटोन डाला तो इस मेटल ने ऊर्जा ले ली, वो तो कहलाएगी क्या, इसकी अवशोषित ऊर्जा टोटल जो भी दी गई है, ठीक है, ये तो कहलाएगी उसकी एब्जॉर्ब एनर्जी। अब उसमें से कुछ तो आ जाएगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में दहली ऊर्जा, कुछ आ जाएगी उसको भगाने में काइनेटिक एनर्जी। दो काम आएगी, एक तो उसको निकालने में थ्रेशोल्ड एनर्जी, आप इसको बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक एनर्जी है थ्रेशोल्ड एनर्जी, भगाने के लिए आवश्यक ऊर्जा है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो जो भी आप एनर्जी देंगे उसको, वो दो काम आएगी भाई, एक तो बाहर निकालने में, एक उसको भगाने में। अब काइनेटिक एनर्जी निकालना हो तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी को इधर ले जाओ, तो एब्जॉर्ब एनर्जी माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी। दोबारा देखें, जो भी आप लाइट डालोगे वो लाइट उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में काम आएगी भाई, इलेक्ट्रॉन को पहले तो निकालेगी, वो निकालेगी तो थ्रेशोल्ड एनर्जी, फिर उसको भगाएगी काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल जो एनर्जी है जो आप डालोगे उसके ऊपर, वो दो काम आएगी, एक उसको बाहर निकालने में, एक इलेक्ट्रॉन को बाद में भगाने में भाई, दो काम आ गई, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन है आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण, आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब एक साइंटिस्ट मुलिकन, उस मुलिकन ने इसको एक ग्राफ रिप्रेजेंट किया इसका, और उसका ये ग्राफ ये था, देखो ये उसका एक ग्राफ था, काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ खींचा, सीधी रेखा आई, और इस सीधी रेखा का जो स्लोप है वो स्लोप किसके बराबर आया, एच के बराबर। एच यहां प्लैंक कांस्टेंट है भाई, और इस प्लैंक कांस्टेंट एच की वैल्यू जब मुलिकन ने निकाली तो वो आई 6.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 आर्ग सेकंड, ये वैल्यू आई, जबकि वास्तव में जो वैल्यू थी वो थी 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 आर्ग सेकंड। तो ये मुलिकन का एक्सपेरिमेंट है, मुलिकन ने ये ग्राफ खींच करके एच की वैल्यू निकाली, जो ये जो वैल्यू आई है ये वैल्यू वास्तविक वैल्यू के लगभग सेम थी, तो एच की वैल्यू निकाली इसने, ठीक है। अब यहां दो चीजें आपके पास हैं, एक वर्क फंक्शन डब्ल्यू जीरो और एक होती है भाई आयनाइजेशन पोटेंशियल आई पी। ये अपन खाला की बाद में पढ़ेंगे डब्ल्यू जीरो और आई पी क्या होती है। डब्ल्यू जीरो होती है मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी, और आई पी होती है आयनाइजेशन पोटेंशियल आयनन विभव, वो होता है किसी सिंगल एटम से, सोडियम है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालने में। पूरी मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालोगे वर्क फंक्शन, एक सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालोगे आई पी। तो ये हो गया आपके पास प्रकाश विद्युत प्रभाव भाई। प्रकाश विद्युत प्रभाव को सिंपल आप समझें, लाइट डालो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, टोटल जो एनर्जी है वो दो काम आएगी, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में और एक उसको भगाने में। बाहर निकालने में कार्य फंक्शन, भगाने में काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। कल अपन एक वीडियो लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।